सुनकर भाई इतना दुख हुआ कि एक दिन तो ये लगा लो पूरा मैं सदमे में रहा। मतलब मेरे दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा था, मेरे दिमाग में बस वो चल रहा था कि ये क्या हो गया। स्टे स्टे नो नो अरे सॉरी 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 हे 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 नो स्टे नो 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 सॉरी 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 अरे पागल हो नो grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8, अरे दिखी ना रे, सुबह के 8 और आज संडे है। जितने दिनों बाद उठाऊं भाई जल्दी, क्योंकि मैंने कल रात को सोच लिया था कि भाई कल से मैं बिल्कुल रेगुलर व्लॉगिंग करने लग जाऊंगा। हिमांशु कर रहा था पर वो अभी चंडीगढ़ गया हुआ है। मैंने सोचा यार अब मैं ही करता हूँ रेगुलर, क्योंकि यार ये यार फिर ना ऐसे मजा सा नहीं आता कि कभी वो करे कि कभी मैं करे, तो अब से मैं ही करा करूंगा। और अभी सुबह सुबह आया हूँ तूफान को छत पे घुमाने के लिए, दिखाता हूँ कैसा है। Come boy, sit, hey, no, sit, hey, sit boy, good boy. ये मैंने न्यू सिखाई से, अब ये बॉल लेकर आएगा देख रहा। Go, good boy, give, good boy, give. अभी इसको मस्ती चाह रही है इसलिए नहीं दे रहा, वरना देता है। देखो, good boy, good boy, good boy, good boy. Okay, go. अरे यार बिस्किट गले में फंस गया, बिस्किट गले में फंस गया, ये आधा निकाल दिया। सॉरी 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 बॉय, आराम से फिर आप खाकर भागा कर करो ना, ऐसे ही भाग जाते हो यार, पागल हो हाँ यार। फिर बिस्किट चीज इतनी बढ़िया है, क्या करूं, रहा नहीं जाता बिल्कुल भी। अरे बॉल लेकर आओ। अरे पागल, हे हे क्या कर रहे हो, हे नॉनसेंस, ये क्या पड़ा है, ये किसी की ऐसी पड़ी है पता नहीं क्या। चलो इधर आ जाओ, पिटाई इतनी हो जाएगी, जा शरारती मत बन के दिखा, अब क्या शरीफ बन गया, टेंस में आकर सुबह काट लेता आंटी को, हैं आगे से बांध के रखा करूंगा, बनता नहीं है तो बिल्कुल भी। तेरे को क्या पता, मैं तो प्यार कर रहा था, मैं काटता थोड़ी हूँ यार, आपको भी तो पता है यार राहुल भाई। हाँ जी गाइस, तो अभी भी मैंने भी तूफान के साथ वर्कआउट कम्प्लीट किया है और कब और आपको सूर्य ज्यादा दिखा देता हूँ, पहले तो बहुत दिन हो गए। अभी हम दोनों थक कर बैठ गए और यार आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, वो ये कि भाई आप सभी को पता ही है कि हमने माता जी के लिए फंड रेज किया था उनकी 6th कीमोथेरेपी के लिए। 5th में भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, सक्सेसफुल हो गई थी। 6th में क्या हुआ भाई जी, फंड रेज हो गया था बिल्कुल 24 तारीख को सुबह 11-12 बजे उनका ट्रीटमेंट था। सचिन भाई जो है जिनकी माता जी को ब्लड कैंसर हुआ था, वो उन्हें लेकर संगरूर गए, संगरूर से ट्रीटमेंट चल रहा था बाबा होमी कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से। तो वहाँ पे जब उनका ट्रीटमेंट करने लगे तो भाई जो क्लोट होते हैं उनमें से पहले गंदा ब्लड निकालते हैं, वो जब ब्लड निकालने लगे तो भाई ब्लड ना रुक ही नहीं रहा था, मतलब आता जा रहा था, उसकी वजह से ब्लड की कमी हो गई बॉडी में, तो फिर ब्लड लाना पड़ा। तो सचिन भाई जाकर ब्लड लेकर आए 3 यूनिट, और जब वो ब्लड उन्होंने बॉडी में इंजेक्ट किया कि पता नहीं क्या कुछ रिएक्शन हो गया, पता नहीं क्या हो गया बॉडी, वो बता रहे हैं कि एकदम से फूल गई, मुंह उनका फूल गया, ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद वो बोले कि अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तो हम इसको पीजीआई में रेफर कर रहे हैं। तो पर सचिन भाई बोले कि मैं अभी कहीं पे मिलने के जाऊंगा, प्लीज आप ही कुछ करो। उसके थोड़ी देर बाद पता चला कि माता जी भाई इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर भाई इतना दुख हुआ कि एक दिन तो ये लगा लो पूरा मैं सदमे में रहा। मतलब मेरे दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा था, मेरे दिमाग में बस वो चल रहा था कि ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर सचिन भाई का फ़ोन भी आया और फ़ोन पर भाई जो बात हुई, तो जिसने अपनी माँ को खोया हो भाई वो दर्द बस वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। और भाई जैसे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये हो गया,
उस टाइम पे भाई मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे भी हो सकता है। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी। मैंने सोचा था अपना कीमोथेरेपी होगी, सब ठीक हो जाएगा, घर पे आ जाएंगे, सब नॉर्मल। पर भाई बात कुछ और ही हो गई। भगवान जी उनकी आत्मा को शांति दे। चलो भाई अब जो भी हुआ ये अब ऊपर वाले की लिखी होती है, पर हमने अपनी तरफ से अच्छे से हेल्प करी, ये हमारी अच्छी बात रही। और मैं थोड़ा मेरे बारे में भी बता देता हूँ कि मैंने इन दिनों में क्या किया। मैंने जब से एनजीओ ज्वाइन किया है मैं हर रोज एनजीओ पर जा रहा हूँ। हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं कि आगे कैसे कैसे सबकी मदद हो पाए। तो वो चीजें आज मैं एनजीओ जाऊंगा तो वो वहीं पर जाकर आपको दिखाता हूँ सब। चलो गाइस बताओ आपको मेरे रूम में कुछ नया क्या दिख रहा है। यहाँ पर कुछ नया नहीं नहीं नहीं, ये मम्मी ने थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दिया था, चेंज करती रहती है मम्मी, आपको पता ही है। यहाँ पर कुछ नया नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ नया नहीं 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 नहीं। ओ ओ ओ ओ माय गॉड, न्यू एसी भाई। अभी मेरे रूम में भी एसी लग गया है और मम्मी पापा वाले में भी लग गया है, तो अभी गर्मी में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। भाई गर्मी यार बहुत ज्यादा ही है तो एसी जरूरी हो जाता है थोड़ा सा। वैसे हम भी यही चाहते हैं कि पंखे में रहें। बाप रे बाप, ये देखो क्या हाल मचा दिया, इसको पानी दिया था पीने के लिए। वाह, पानी में नहाने की सोच रहा है। मम्मी गुड मॉर्निंग। अच्छा, अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो गया? कैसे लग रहा आज मैं इतनी जल्दी उठ गया? शौक मम्मी भी शौक में है, सब कोच साहब भी शौक में है, सब शौक में है। तू नहीं आएगा शौक में? मैं? हाँ। मैं नहीं आता जी छोटी मोटी चीजों पे ना शौक में। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ होगी। हाँ तो ना 10-12 दिन हो गए कंजर ने। तो यार मम्मा यार ये बताओ यार, आपको पता नहीं है एनजीओ जा रहा हूँ, डेली काम कर रहा हूँ। नोनी ने बोला कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा पर वो धोखा दे गया। मम्मा दुनिया से नहीं आ रही है यार, कुछ लोग ही होते हैं ऐसे जो हेल्प करते हैं। देखिए ऐसा बन जाएगा जिन साक्षात परमात्मा ही नहीं चतरी आया। इतना प्यार से बोला लग जाएगा, शक्ल देख के तो कोई भाई डांट ही नहीं सकता इसमें। अरे यार मम्मी तो मैं डांट करने वाली चीज हूँ भी नहीं। चल, मेरा शर्मा नहीं। मैं हूँ प्यार करने वाली चीज, मुझे प्यार करो, किसी करो। चॉकलेटी बॉय। सो अभी जल्दी से मम्मी चाय बना रही है, चाय पी लेते हैं और उसके बाद नहा धो के जल्दी से निकलते हैं एनजीओ की तरफ। भाई मैंने सोचा था कि नहाऊंगा पर मैं लेट गया, पर सोया नहीं मैं, पर मेरी सोने की पूरी पूरी साजिश है। मैं सोच रहा हूँ कि सो जाऊं और आंखें भी कह रही है कि थोड़ा सा सो ले, आधा घंटा सो ले, एक घंटा सो ले, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर सो गया तो फिर क्या होएगा यार। सोने के बाद ना सुबह सुबह ऐसे, मतलब सुबह सुबह एक बार उठने के बाद अगर दोबारा सो जाऊँ ना यार, इतना मतलब खुद से ऐसे होने लग जाता कि कितना गंदा है यार तू, कुछ काम धाम नहीं करता, सोता रहता है। मतलब करता भी तो भाई देखो करता तो हूँ यार, ऐसे मत सोचना कि कुछ नहीं करता, पर अपने आप से ऐसे गिल्टी से फील होने लग जाती है। वेलकम टू सोसाइटी भाई जी, कैसी लगी? एकदम बढ़िया, हरियाली है पूरी, ग्रीन ट्री। मैं जितने पेड़ लगाता था देखो, मैं बहुत लगाता हूँ। देखो यहाँ पे इनको ग्रीन ट्री बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा ग्रीन ट्री यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑटोमेटिक। अगर आप मैं हो ना यहाँ पे, अब कोई और भी आए तो देखो अलग ही सांस पूरी, मतलब लेने का मतलब अलग ही माहौल, फ्रेश फ्रेश एयर बहुत ज्यादा। और भाई हमने सोसाइटी में भी लगा लिया पौधा, पर ना वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि आज क्या हुआ, इससे जो पहले तुमने क्लिप देखी उसके बाद वो मतलब सुबह का सीन था और अब हो रही है रात सीधा ही। तो आज मैं सो रहा था, क्या कर रहा था, सो रहा था क्या, कुछ कर रहा था मैं सो रहा था, सो भी रहा था। उसके बाद दो चार काम हो गए, उसके बाद भाई के पास एनजीओ पर चले गए, वहाँ पर थोड़े से काम वाम किए। लो भाई, चलो बताओ इनमें से हमारा कौन सा लग रहा है तुम्हें, ये वाला? नहीं 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 नहीं, ये वाला, ये वाला। अरे तो भाई इतना बड़ा हो रखा है, ये कैसे लगाएंगे बताना है भाई? कह रहे ये वाला ये नहीं है, मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ भाई, आपने लगाया? नहीं, आप ही ने लगाया इसको, आप ही बताओ। मिलकर लगाया हमने, ये वाला है ना? हाँ। यही है ना? आपको पता नहीं? आपको नहीं पता? नहीं, मेरे को तो पता है, मुझे खुद पता है। हाँ, ये देखो यहाँ से हमने, ये देखो खोदा, जीता जागता। हाँ, ये ताजा आज का। हाँ, कोई ये ना बोले कि, और ये किस चीज का है? भूल गए नाम, भूल गए, भाई ने बताया था एक नाम। तो ना अब ये संजीव भाई है, ये ना हर दिन एक पौधा, जब तक जीवन तब तक एक पौधा हर दिन। तो भाई इनकी ये मुहिम है और मैं भाई दिल से बहुत बढ़िया लगी मुझे यार। तो आप लोग भी भाई लगाया करिए पौधे वोधे, तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट जन्मदिन पे तो जरूर लगाएं। बिल्कुल, तो लगाओ भाई जरूर, सेव अर्थ ग्रो मोर ट्रीज। डन, इसका पौधे का नाम रख दे। हाँ, क्या नाम रखें? इसका नाम रख देते श्याम, भी शाम का टाइम है। ठीक है,
सही है शाम पस्ट। चलो शाम को अब हम देखते कितना जाता है शाम को देखेंगे भी इसको। हाँ इसलिए रखा था कि हम हर शाम इसको देखे। जब आप वो करने होगा तो आपकी ड्यूटी है इसको देखें। डन डन है भाई जी। भाई इस पे से नीचे जाना है और स्पीड देखो। चलो जा रहे हो? नहीं भाई, भाई गिर, भाई गिर ना जाए। भाई गिर नहीं रहा है। मैं जाऊं? नहीं भाई गिर जाओगे। पक्का? पक्का पक्का पक्का। जब स्पीड देख रहे हो ये देखो, ट्राई करके देखो। ओ भाई साहब आराम से आराम से। नहीं भाई नहीं पॉसिबल नहीं है। अरे अरे गिर जाओगे भाई, गिर जाओगे। नहीं भाई इधर से तो मुश्किल है। ओ गाइस लो हमने चैलेंज कर दिया कंप्लीट। अब यहां से जा सकता हूं मैं ऊपर? जाओ यहां से तो चला जाऊंगा। चलो चलो पक्की बात है। हां पक्की बात है। पकड़ो। हां ये ले। भाई ये तो मुश्किल देखो। अरे करंट लग रहा है। अरे भाई करंट लग रहा। भाई हम पंगे नहीं लेते। संजीव भाई करवा रहे मुझसे। ये रुकी, ये रुक गया। ये क्या हुआ? उल्टे भाग लिए इसलिए रोक दी। किसी मर के सिक्योरिटी वाले ने तो नहीं रोक दिया ये कि ये बदतमीज कहाँ से आ गए? हो सकता है भाई ये काम भी तो चल रहा है। बच्चों की बोल। ये क्या यहाँ पे प्लांट मिसिंग है? समझे लगा भाई जी। ये देखो कल करते हैं इसकी कार्रवाई का वो तो। हाँ कल करते हैं, कल यहीं पे लगाते हैं एक प्लांट। अब इसके अंदर ये क्या कूड़ा गिरा हुआ है? ये कूड़ा डाला हुआ है। चलो इसको साफ करवाते हैं और कल करते हैं ये सब प्लांट। लगा बड़ा प्लांट लगेगा कल, प्लांट लगता है बड़े वाला। ठीक है डन। हाँ जी गाइस तो अभी भाई खाना खा कर लेटे हैं आराम से और कुछ बातें बातें कर रहे थे संजीव भाई जी और मैं। ठीक है तो कुछ लोगों को शायद अभी भी थोड़ा सा क्या पता पहचानने में दिक्कत हो रही हो या फिर जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखे, संजीव भाई संघर्ष विद सोल एनजीओ के फाउंडर है भाई जी, तो इनके साथ हम भी जुड़ गए हैं आप सभी लोगों को पता ही है। तो हम काफ़ी दिनों से भाई एनजीओ पे तुम्हें पता है बिज़ी चल रहा हूँ। तो अब आप कहोगे भाई ऐसा भी क्या बिज़ी हो गए राहुल भाई, ऐसा क्या कर रहे हो? तो भाई बताएं थोड़ा बहुत कुछ बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बताना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई हम सोच रहे हैं कि हम सबसे पहले तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है और वो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा टीम संघर्ष विद सोल, टीम SWS के नाम से। ठीक है जिसमें आप लोग हम लोग मिलकर अच्छा काम किया करेंगे, हेल्प किया करेंगे लोगों की। देखो यार छोटी जिंदगी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तो हेल्प किया करेंगे, जितनी हमसे होगी हम करेंगे भाई, जितनी आपसे होगी, किसी को कोई फोर्स नहीं, जितनी आपसे होगी। ठीक है और कोई किसी से हम दो चार लोग हैं। हाँ। हम मिलकर इतनी हेल्प कर पा रहे हैं तो हम सब सारे मिल जाएंगे तो हम कितनी हेल्प कर पाएंगे बताओ। तो इसी पर्पज से हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें हम हर सिटी से, हर डिस्ट्रिक्ट से, मतलब हर स्टेट से सबको कनेक्ट करेंगे। काफ़ी ग्रुप बनाएंगे जिसमें सबको कनेक्ट करेंगे। जिस भी सिटी में किसी चीज़ को किसी की हेल्प होती है तो उस ग्रुप में डालें। ब्लड ग्रुप चाहिए है, जिसको ब्लड चाहिए है, जो भी कुछ एक्सपेक्टेड जो भी हेल्प होती है सब मिल बांट के करेंगे। तो उसके बारे में डीपली आपको बहुत ही जल्द बताएंगे, सब बताएंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपको पर्सनली। जिसकी अपनी अपनी राय है वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उसमें अच्छे से सजेशन भी दे सकते हैं हम उसको किस तरीके से और अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है तो बताना एक चीज, एक बार ये बता देना भाई जरूर से जरूर कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए या फिर नहीं बनाए, मतलब कि अगर आप लोग देखो जुड़ोगे दिल से भाई तो सभी तो उसमें काम करना पड़ेगा सबको। बिल्कुल भाई मिलके काम करेंगे। बिल्कुल, देखो बिल्कुल। काम करना पड़ेगा सबको, ये बात तो कह रहे हैं भाई। देखो पहले और ये नहीं है कि भाई किसी से फ्री में काम कराएंगे, ऐसा भी मत समझना भाई कि फ्री में काम कराएंगे हम। हमारी तरफ से जो बेस्ट रिगार्ड्स होगा हम वो करेंगे। ठीक है जो भी भाई अपने साथ जुड़ेंगे मीटअप रखेंगे बढ़िया। चलो वो आने वाले जब ग्रुप बन जाएगा एक बार आप बता दोगे कि हाँ भाई बना दो, उसके बाद आने वाले दिनों में हम आने वाले व्लॉग्स में बता देंगे सब चीज़ें। ठीक है भाई सब अपडेट होता रहेगा भाई। सो जाएं हम? सो जाएं? चलो भाई और भी बहुत काम है। चिपक के सोएंगे आप दोनों भाई। ठीक है तो हिमांशु गए हुए चंडीगढ़, मम्मी और उस वाले रूम में सो गए और हम दोनों यहाँ पे। तूफान भाई यहाँ पे है, कहाँ पे गया ये रहा। इसको बेड पे कितना ही सुला लो सोएगा ही जमीन पर ही, हस्की ब्रीड ही ऐसी है भाई। और हाँ गाइस एक बात बिल्कुल लास्ट ध्यान से सुनना, व्लॉग्स अब मैं ही बनाया करूँगा ठीक है रेगुलर, और सुबह सुबह 8 बजे आ जाया करेंगे पहले की तरह 8 बजे। देखना ना भूलें स्केटर राहुल चैनल पर व्लॉग्स। इस व्लॉग को करते हैं पर एंड, यहाँ तक देखे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। ओके गाइस गुड नाइट, बाय बाय, मस्त रहे व्यस्त रहे स्वस्थ रहे, जय भोलेनाथ, बाय बाय।